दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे और इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, और चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद या आपके मरने के बाद फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, किसी को शो ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ब्राउज़र हो, ऐप हो या डेस्कटॉप में आप ऑन कर रहे हो, तो आपको फेसबुक में जाना है, मेन्यू में जाना है, फिर इस तरह से, और फिर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है, और फिर लिखा है मैनेज अकाउंट, इस पे आपको जाना है। अब लिखा है लेजेंसी कॉन्टैक्ट, इस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे लिखा है डिलीट आफ्टर डेथ, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है यस डिलीट आफ्टर डेथ, इस पे सेलेक्ट करके सेव में क्लिक करना है। अब वार्निंग दे रहा है कि आपके मरने के बाद आपकी सारी जानकारी, आपके सारी एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी, फ़ोटो पोस्ट, और हो सकता है कि परिवार वालों को गम हो और बार बार देख के आपकी यादें ताज़ा कर ले, तो डिलीट ना करने की ऑप्शन सेट करें, ये बता रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ना देखे, आपको किसी से लगाव नहीं है, तो आप बस कन्फर्म कर देना है आपको इस तरह से, और फिर यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है टेल ए फ्रेंड अबाउट योर डिसीज़न, अपने दोस्त को बताना चाह रहे हैं इस डिसीज़न के बारे में, तो चूज़ अ फ्रेंड या स्किप कर दीजिए। चूज़ फ्रेंड्स करेंगे तो आप फ्रेंड्स जो जिनको आप बताना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। चूज़ अ फ्रेंड, अब फ्रेंड लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अभी देख लेते हैं, इंटरनेट स्पीड के कारण थोड़ी स्लो है। यहाँ पर सर्च करने का दिखा रहा है सुभाष पटेल। मान लो मैं सुभाष पटेल, जो मेरा भाई है, मैं अपने भाई को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाए, और ये टू इस सुभाष पटेल में जाएगा, और ये मैसेज जो है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले, ठीक है। तो बस हो गया, एक बार फिर से देख लो, आप लेजेंसी में जाना है। लेजेंसी में जाने के बाद इसको वापस से टर्न ऑफ कर दूँ तभी पता चलेगा, सेफ। आपको एजेंसी में जाना है, एजेंसी में जाने के बाद आपको डिलीट आफ्टर डेथ में जगह जाना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, सेव करना है, फिर कंफर्म में दबा देना है, और फिर उसके बाद अभी जैसा बताया, फ्रेंड चाहते हैं बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये चालू हो गया कि आप जब भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद फेसबुक को पता कैसे चलेगा। यहाँ पर लिखा है यू हैव चूजन द डिलीट योर अकाउंट व्हेन समवन लेट्स यू नो दैट यू हैव पास अवे, ऑल ऑफ योर मैसेजेस, फोटोज, पोस्ट, कमेंट, रिएक्शन एंड इन्फो विल बी इमीडिएटली एंड परमानेंटली रिमूव फ्रॉम फेसबुक, नो वन विल बी एबल टू सी योर प्रोफाइल। समझ गए होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके मरने के बाद फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इतने थे इस वीडियो में, वीडियो देखने धन्यवाद।